नमस्कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भाई गांव ताना में छोटू भाई के पास। एक बार छोटू भाई से पहले परिचय लेते हैं। एक बार छोटू भाई जी, राम राम। राम राम जी। एक बार अपना आप परिचय बताओ, थोड़ा जोर से बताना जी। नाम छोटू, गांव ताना, जिला शामली। जिला शामली। हाँ जी। तो आपने किस किस बीज का वितरण कर रखा भैया इस बार? हमारे यहाँ 14201 है, 13235 है, 15023 है। 15023 है। हाँ आपने जी। ये 35 कितना लगा रखा? 35 हमारे यहाँ 2 बीघे है। अच्छा, 2 बीघे लगा रखा हाँ जी। आपने। और 23? 23 हमारे यहाँ है, 7 बीघे। 7 बीघे। हाँ जी। अच्छा, और 200, 14201, 14201 है, 2 बीघे। ये भी 2 बीघे हाँ है। जी। अच्छा, अगर किसी भाई को भाई ज़रूरत हो इन बीजों की, हाँ जी। तो छोटू भाई का मैं नंबर डाल दूंगा भाई स्क्रीन पे, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। और जो भी आपका मोल भाव बने भाई से सीधी बात करना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई आपको ये एक बार 35 दिखाओ, आपने किधर पर रखा हो? 35 हमारा इधर है, ये रहा। चलो जी, एक बार ये 35 स्टार्ट है। अच्छा, ये वाला खुड 35 का ही है। हाँ जी। एक दो तीन तीन चार चार पाँच छह खुड है, 7 है। यानी 2 बीघे के करीब है। लंबे खुड है काफी। हाँ, हैं। सात। अच्छा, देखो जी 35 की हाइट, देखो जी कितनी बढ़िया जा रही है भाई की, ये देख सकते हो आप। तो छोटू भाई, आपने बुआई किस टाइम, इधर सामने हो, आपने बुआई किस टाइम करी थी इसकी? ये हमने इसकी बुआई करी थी मार्च में। मार्च में। हाँ जी। कितने मार्च को? लगभग 10 से 20 मार्च के बीच। 10 से 20 मार्च के बीच। हाँ। हाइट आपके 38 से ज्यादा है या इसकी कम है? इस अब कुछ ज्यादा चला गया, अच्छा, पहले कुछ डाउन था, पहले डाउन था स्टार्टिंग से, अब ज्यादा चला गया। अब कुछ जो लग रहा कि थोड़ा चला गया। चला गया। तो गन्ने की मोटाई दिखाओ कैसी हो रही है 35 की। देखो जी भाई, आपको मैं गन्ने की मोटाई दिखाता हूँ कितनी बढ़िया हो रही है। ये देखो जी, बढ़िया मोटाई हो रही गन्ने की, बिल्कुल साफ सुथरा गन्ना है, कोई कीड़ा नहीं गन्ने पे बिल्कुल भी। ये देखो, काफी मोटा गन्ना हो रहा है, एक एवरेज गन्ना है। ब्यांत भी काफी अच्छा है गन्ने में। देखो, ये आपने कितनी पोरी का बो रखा भैया? एक एक दो दो का? ये दो का, दो दो पोरी का दो बो आँख था, का। दो आँख का। हाँ जी। अच्छा, आपने इस पर स्प्रे कितनी बार लगाई भाई? खेत तो आपका देखो बिल्कुल नहीं रखा खड़ा, हाँ जी। कीड़ा तो कोई है नहीं, और सुंदर भी खड़ा, गन्ना भी साफ है बिल्कुल। तो आपने इसमें दवाई कितनी बार स्प्रे करी? दवाई का स्प्रे कर लिया इसमें 2 बार। अच्छा, 2 बार स्प्रे करी। हाँ जी। कहीं कहीं का स्प्रे करा आपने? यही कीटनाशक फिर भी कुछ दवाई का नाम? दवाई तो ऐसी कोई अलग नहीं है, यही सब सेम है, जो भी अपने कीटनाशक हैं, अच्छा, जो आपने अपने कीटनाशक लगाए हैं। यही जो लैम्डा है, प्रोफेक्स है, आपका बायोफेथ्रिन है, हैग्जा है। आपने 38 कितना वो रखा? क्या 38 बीज कितना लगा रखा? 38 तो काफी है, फिर भी लगभग होगा 65 बीघे के आसपास। 65 बीघे। हाँ जी। तो आपको मुकाबला किसका बढ़िया लगा, 35 या 38? अभी तो फिलहाल तो अगर देखी जाए तो 38 के साथ में तुलना करी जाए, रोग की तो बहुत राहत है, इन चीज के तो देख के तो ठीक है, लेकिन 38 तो 38 ही है। और इसका अब की बार रिजल्ट लेंगे तो तब पता लगेगा, अच्छा, अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, फर्स्ट टाइम है। बाकी देखो जी कितना सुंदर गन्ना खड़ा निरोगा। आपने 201 भी लगा रखा, 14-02 से 14-201 भी देखो जी भाई का। ये 14201 है। अच्छा जी, 14-201 भी आपने 2 बीघे लगा रखा। हाँ जी। ये देखो जी, 14-201 का गन्ना भी बिल्कुल निरोगा खड़ा, बिल्कुल साफ सुथरा, थोड़ा हाइट में कम है। नहीं, हाँ, अब फिलहाल चल गया। अच्छा, अब चल रहा, हाँ जी। मतलब वही मार्च अप्रैल तक जाएगा, फरवरी के बाद तक जब। स्टार्टिंग तो बहुत लो थी, अच्छा, चलने की जो स्पीड थी बहुत ही लो थी, जैसे ट्रैक्टर पहले की लो में चले, अच्छा, वो काम था इसका। मतलब अब आगे चल रही। अब इसका गियर बदल गया, अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। हाँ जी। तो एक बार जरा इसकी आप मुझे मोटाई दिखाओ, गन्ने कितनी मोटाई हो रही। ब्यांत में कैसा भाई यार? ब्यांत में तो ज्यादा हाई लेवल का है, ज्यादा हाई लेवल का है। हाँ जी। देखो जी, ब्यांत भी काफी अच्छा हो रहा है, बस छोटे छोटी पोरी होगा गन्ना ही। वजन काफी, देखो जी ब्यांत कितना बढ़िया हो रहा, कम से कम 10-15 गन्ने हो रहे यार, बिल्कुल निरोगे हो रहे। आंख देखो जी कितनी बढ़िया हो रही, और छोटी छोटी पूरी हो रही। ये देखो, ये देखो जी ब्यांत, आप एक दो दो पूरी के गन्ने में तो कितना बढ़िया ब्यांत हो रहा, और देखो कितने सुंदर गन्ने। बस थोड़ी पूरी छोटी है गन्ने की, बस नहीं तो बनने में कोई कमी नहीं है। गन्ना तो सरिया है, सरिया है बिल्कुल गन्ना। देखो जी ऊपर तो आप गोप देख लो। बड़ी बात यह है, अगर इसकी हाइट लगभग 10 फुट भी होगी ना, हाँ, इस गन्ने की, हाँ, तो इसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ जी। ना तो बंदाई, बंदाई की जरूरत नहीं है, ना कुछ जरूरत है, मिट्टी भी कम चढ़ जाए इसके मुकाबले तो भी नहीं दिक्कत है। तो आपने इसमें कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं लगाया? नहीं, ग्रोथ प्रमोटर ऐसा कोई खास नहीं है कुछ भी। अच्छा, बाकी बस खाली बस यूरिया यही है,
अपनी। अच्छा, यूरिया, डाई, सल्फर, जिंक, फेरस, यही सब सब कुछ है, कोई अलग नहीं है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, 38 का भी आपका यही खड़ा खेत? 38 इसी की बराबर में अगली तरफ। और 23 आपका? 23 ही रहा। देखो जी, इधर सामने इन्होंने 23 बो रखा, 23 साथ भी गया। अगर किसी भाई को 23 का बीज चाहिए तो भाई से संपर्क कर लेना, मैं इनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आ जाइए, 23 अप्रैल की बुआई है इसकी, अप्रैल की बुआई है। अच्छा, 23 आपने 75 बो रखा। एक बार आइयो जी सामने, देखो ये 23 की अप्रैल की बुआई है, 75 बुआई है भाई की। और देखो जी कितना सुंदर गन्ना खड़ा हुआ है, ये देखो जी। एक बार 8 आइयो जी इसके बराबर में आके मेड़े की, देखो जी हाइट कितनी हो रही, 75 बोर्ड की भी। ये देखो मैं आपको, ये ब्यांत में कैसा है भाई? ब्यांत इसका भी अच्छा है। देखो जी ब्यांत इसका भी अच्छा है। हाँ। पूरी देखो, इसका भी गन्ना काफी बढ़िया मोटा मोटा गन्ना है, सफेद पूरी है बिल्कुल। आंख भी बड़ी अच्छी है इसकी, देखो सुंदर आंख है। जमाओ में कैसे लिया था जब जमाया था आपने? गन्ना ही लेके आए थे। अच्छा, गन्ना ही लेके आए थे। जमाओ बढ़िया निकला था। अच्छा, और इसमें इसमें कितनी स्प्रे कर दी आपने? इसमें तो हमने एक ही स्प्रे किया। अच्छा, इसमें एक ही स्प्रे करी, स्प्रे, कोई कीड़ा नहीं, निरोगा खड़ा बिल्कुल, कोई भी कीड़ा नहीं। देखो जी बिल्कुल साफ सुथरा गन्ना खड़ा हुआ, बिल्कुल निरोगा, कोई कीड़ा नहीं खेत में। तो अगर किसी किसान भाई को चाहिए इस बीज, अगर 23 या 35 या 14-0-201, तो आप क्या रेट दोगे, कुछ सोच रखा? रेट तो अभी कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि क्या रेट देंगे, जो भी रेट सही होगा, किफायती होगा, वही दे देंगे। चलो ठीक है भाई जी, मैं इसके लिए आपका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस किसान भाई को चाहेगा वो आपसे फ़ोन पर बात कर लेगा। बाकी आपका गन्ना बहुत सुंदर और बहुत अच्छा खड़ा हुआ है भाई, किसी को 23 बीज चाहिएगा भाई से संपर्क कर लेना, छोटू भाई इनका नाम है। और कहीं कभी भी आ गए इनसे यहाँ बीज लेना, सामली गांव ताना। हाँ जी, ठीक है जी भाई जी, नमस्कार जी भाई। नमस्कार। देखो किसान भाई, अब हम छोटू भाई के ये 38 की दुबरसी पेटी है ट्रंच की। देखो छोटू भाई, आपने ये बताओ इस पर आपने क्या क्या स्प्रे करी? भैया इसमें तो तुमने 3 स्प्रे कर ली। अच्छा। हाँ जी, वही लैम्बडा वगैरह की जो भी है। लैम्बडा करी, अब तो लास्ट अभी स्प्रे करी थी 8 दिन पहले। लैम्बडा करी थी, हेक्सा थी, यही सब कुछ थे। अच्छा, बढ़िया खड़ी, सुंदर पेड्डी खड़ी। हाँ, कोई रोग नहीं। देखो जी निरोगी पेड्डी खड़ी, नहीं तो भाई किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। चलियो जी अगर अंदर को आइयो, देखो जी आप मुझे दिखाता हूँ दूर से कितनी सुंदर बेला पेड्डी खड़ी। हाइट देख लो आप पहले कितनी हुई भाई की, दोबारा पेड्डी की ट्रंच की 38 की। ये देखो जी कितनी जबरदस्त हाइट हो रही। इसमें बोर्ड कितना निकला था भैया? क्या भैया, बोर्ड कितने का निकला था इसमें? बोर्ड का इसमें एवरेज आया था भैया 80 का। बस 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 यही दिखा दो। हाँ जी। और अब के क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब की बार तो प्लस में है, अब की बार 100 प्लस जाएगा। 100 प्लस में तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 प्लस में तो है ही है। 80 प्लस में तो खैर होगा ही। हाँ जी। देखो जी कितना सुंदर खेत खड़ा हुआ भाई का ट्रंच का। पहली बार बोया आपने, पिछली बार भी बोया था? फर्स्ट टाइम, पहले साल स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम। देखो जी कितना सुंदर लग रहा खेत, कोई कीड़ा नहीं, हाइट भी गन्ने ने। एक बार देखो जी खड़े हुई उसके पास, एक बार मेढे का हाथ ठही हुई एक बार ऊपर को। देखो जी हाथ ठा गया भाई का, हाइट की कितनी ऊंची ले रखी गन्ने ने। तो ये 38 बीज भी वैसे कम नहीं है अगर देखी जाए तो इसमें 38 आपने 4 बीज लगा रखे। देखो जी 35। हाँ जी। एक आपने 38। हाँ जी। 38 तो खैर है ही सभी के पास। हाँ जी। और एक 35, 23 और 14-0-201। तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगा अभी? तो देखो ये तो अपना बहुत है, बढ़ते है अपना, वो तो अब की बार फर्स्ट टाइम है उसका, तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन इसकी अगर थोड़ी देख रेख होती रहे और रोग से बच जा तो इसका मुकाबला नहीं है। अच्छा, 38 का ना? हाँ जी। नहीं 38 का तो खैर मुकाबला है नहीं कहीं भी। हाँ जी। सब नहीं कहने वाली बात है, लेकिन 35 भी अभी आया है, अभी पता नहीं किसी। अब तो ऐसे तो सब कुछ मार्केट में नया है, उसे चलने में भी तो वक्त लगेगा ना। अब फिलहाल एकदम किसान यूँ सोचा कि हमें एकदम 38 की टक्कर मिल जाए तो कहाँ से मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ऐसे तो। हाँ जी। चलो ठीक है भाई जी, आपकी पेड्डी बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब पेड्डी खड़ी है जी ट्रंच की। पिछले साल फर्स्ट टाइम भाई ने गन्ना लगाया और बड़ी सुंदर है पेड्डी का गन्ना। दिखाओ आप कैसा हो रहा है आपका। देखो जी पेड्डी का गन्ना कितनी सुंदर पूरी हो रही, कोई कीड़ा नहीं। ब्यांत भी वैसे अच्छा है इसका, बढ़िया। देखो जी लंबी लंबी पूरी हो रही, देखो जी कितनी लंबी लंबी पूरी है, बिल्कुल साफ सुथरा गन्ना, कोई टॉप बोरर किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं, बिल्कुल साफ है। देखो जी गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है, एक नॉर्मल मोटाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एवरेज देगा गन्ना, और बिल्कुल सुंदर खड़ा हुआ है। ठीक है जी भाई जी, छोटू भाई बहुत बढ़िया लगा आपका खेत देख के, बहुत सुंदर खेत खड़े हुए हैं। ठीक है भाई।